नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम 10th चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं और इसमें जो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोधदार एक ताकतवर हस्ती क्यों थे। तो हमने पढ़ा था कि सबसे छोटे जो किसान होते थे जिन्हें रैयत भी कहा जाता था, उनके अलावा जो गांव के बड़े किसान थे उन्हें जोधदार कहा जाता था। तो गांव में तीन तरीके के लोग थे, एक तो हैं रैयत यानी सबसे छोटे किसान, उसके बाद दूसरे हैं जोधदार जो कि उन किसानों से बड़े किसान हैं, उसके बाद इन सबसे ऊपर आते थे जमींदार लोग। तो हमें पढ़ना है कि जो बीच वाले हैं जोधदार लोग, ये ताकतवर कैसे बने। तो जोधदार का मतलब हुआ बड़े किसान, तो बंगाल में कैसे पावरफुल हुए देखते हैं। ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोधदार एक ताकतवर हस्ती इसीलिए थे क्योंकि, पहला पॉइंट है, 18वीं शताब्दी के अंत में जहां एक और कई जमींदार आर्थिक दृष्टि के संकट की स्थिति से गुजर रहे थे, वही जोधदार धनी किसानों के रूप में अनेक गांवों में अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। यानी 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों ने जमींदारों के ऊपर टैक्स लगाया था बहुत ज़्यादा, जो स्थाई बंदोबस्त आया था उसकी वजह से क्या हुआ था, जमींदार तो आर्थिक संकट यानी कि पैसे में बहुत दिक्कत आ रही थी, उन्हें आर्थिक दृष्टि से बहुत गरीब होते जा रहे थे, वहीं जो जोधदार हैं वो ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे। तो पहली लाइन ये है कि 18वीं शताब्दी में जमींदारों का लेवल तो गिर रहा था पर जो ये जोधदार लोग हैं इनका लेवल समाज में ऊँचा हो रहा था, इनकी स्थिति इंक्रीज हो रही थी। दूसरा पॉइंट है, 19वीं शताब्दी के शुरू के वर्षों के आते आते इन जोधदारों ने जमीन के बड़े बड़े भूखंडों पर अपना अधिकार कर लिया था। यानी इसी तरह से बात है, इनकी जो ताकत है उनकी वजह क्या हुई, इनकी बड़ी बड़ी ज़मीनें। ये क्वेश्चन मैंने आपको जो अलग वीडियोस करवाई थी उनमें भी करवाया था, तो इसको आप वहीं से नोट भी कर सकते हैं कि जोधदार ताकतवर कैसे थे। वो और भी अच्छी लैंग्वेज में इससे थोड़ा क्वेश्चन, तो आपको यहाँ से ना पढ़ने की बजाय आप इस क्वेश्चन को वहाँ से नोट डाउन कर लें, यहाँ पर आप इसको समझ लें और वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी इन जोधदारों का नियंत्रण था, यानी जो लोकल बिजनेस था उसके ऊपर भी जो जोधदार लोग हैं उनका ही पूरा रोब था, क्योंकि गांव के बड़े किसान थे इनके अंडर ही थे वो सारे के सारे व्यापार वगैरह। उसके बाद साहूकार का कारोबार, साहूकार का मतलब होता है पैसे ब्याज पर देना, तो ये काम भी कौन करते थे, जोधदार लोग। तो सीधी सी बात है, सेकेंड पॉइंट में हमें पता चला कि जोधदार लोग जो हैं उनकी जो बड़ी बड़ी जमीन थी उनकी वजह से उनके पास ताकत आई। क्वेश्चन क्या था, जोधदार ताकतवर क्यों हुए, तो क्लियर सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हमें बताया कि स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार की वजह से भी ये जोधदार पावरफुल हुए। तो इसमें अब तक हमने तीन पॉइंट पढ़े, इसके तीनों में हमें पहले पॉइंट में तो बताया कि जोधदार ताकतवर थे ऐसे ऐसे, सेकंड में हमें बताया कि ताकतवर होने की वजह थी इनकी बड़ी बड़ी ज़मीनें, और तीसरे में हमें दो चीज़ और पता चली इनकी ताकत की, वो थी स्थानीय व्यापार और साहूकार का कारोबार। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जिनकी वजह से जोधदार ताकतवर हो गए थे। तो आगे इसमें यही लिखा है, इन जोधदारों का नियंत्रण था और इस तरह के अनेक क्षेत्रों के गरीब काश्तकार पर व्यापक शक्ति का प्रयोग किया करते थे। काश्तकार का मतलब होता है वे किसान जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, जो इनकी ज़मीनों पर काम करते थे, तो इन सभी काश्तकारों पर ये कब्जा रखते थे अपना पूरा। फोर्थ पॉइंट है, प्राय ये जोधदार अपनी ज़मीन का बहुत बड़ा भाग बटाईदारों के माध्यम से जुतवाते थे, ये बटाईदार एक तरह से जोधदारों के अधीन थे। यानी ये जोधदार लोग अपने खेतों पर खेती नहीं करते थे, इनके नीचे भी छोटे किसान हुआ करते थे जिनसे ये भाड़े पर खेतों को देकर उनसे खेती करवाते थे, खुद खेती नहीं करते थे। इतनी बड़ी बड़ी ज़मीन थे इनके पास, इनको खेती करने की ज़रूरत ही नहीं थी, इनके पास वैसे ही घर बैठे बिठाए पैसा आता रहता था। तो बटाईदार उनके खेतों पर मेहनत करते थे, अपने हल और बैल आदि लाते थे और फसल के बाद कुल पैदावार का आधा भाग जोधदारों को दे देते थे। यानी यहाँ से पता चल गया फोर्थ पॉइंट से हमें कि ये जोधदार लोग जो हैं घर बैठे बैठे कुछ नहीं करते थे, इनके पास पैसा अपने आप ही आता था क्योंकि इनके पास ज़मीन थी, उस ज़मीन पर बटाईदार खेती करते थे, आकर जितनी फसल होती थी फिर उसका आधा परसेंटेज जो है इन लोगों को दे दिया जाता था, तो घर बैठे बैठे इनको पैसे मिलते रहते थे। तो अब तक हमने पढ़ा कि इनकी जो ताकत है उसकी वजह हुई इनकी बड़ी बड़ी ज़मीनें, स्थानीय व्यापार पर इनका कब्जा और साहूकार का कारोबार, उसके अलावा बटाईदारों से जो भी इन्हें पैसा मिल रहा है वो पैसा। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट,
कई गांवों में जोतदारों की ताकत जमींदारों की ताकत की तुलना में अधिक प्रभावशाली थी। यानी आप सोच सकते हैं जमींदार जो कि इतनी बड़ी हस्ती है, इतने पावरफुल लोग हैं, उनसे भी ज़्यादा ये जोतदार लोग पावरफुल होने लगे। यही लिखा हुआ है, कई गांवों में जोतदार जमींदारों से ज़्यादा ताकतवर थे। ये जोतदार जमींदारों की तरह जमीनों से दूर शहरों में नहीं बल्कि गाँवों में ही रहते थे। ये गाँव में ही रहते थे, इनकी ये खास बात है, ये गाँव के ही लोग थे, गाँव के अंदर ही रहते थे पर पावरफुल थे। और जो जमींदार है वो गाँव में नहीं रहते थे, वो गाँव से बाहर रहते थे हमेशा, शहरों में या अपने अपने बंगलों में कहीं और जाकर वो रहते थे। तो इस तरीके से जो जोतदार है वो लोगों के साथ जुड़े हुए होते थे, लोग इन्हें ज़्यादा पसंद करते थे जमींदार की तुलना में। और इस तरह गाँव के करीब ग्रामीणों में काफ़ी बड़े वर्ग पर सीधा नियंत्रण था। तो गांव के जो गरीब ग्रामीण हैं उनके ऊपर सीधा नियंत्रण था जोतदार का। और जमींदार तो दूर बैठा है, उसका तो इतना अच्छा कंट्रोल नहीं हो सकता जितना कि जोतदार का हो सकता है। तो फिफ्थ पॉइंट में हमें एक बात और पता चली कि इनके गांव में रहने की वजह से गांव में इनका ज़्यादा प्रभाव था, गांव में इनकी लोगों के ऊपर ज़्यादा चलती थी, गांव के लोग भी इन्हें ज़्यादा पसंद करते थे। तो ये हुई इसका फिफ्थ पॉइंट, जिससे हमें पता चला कि गांव में जमींदारों की बजाय जोतदार एक ताकतवर हस्ती क्यों बनने लगे। तो इनकी बड़ी बड़ी ज़मीनों की वजह से, स्थानीय व्यापार पर कब्जे की वजह से, साहूकार के व्यापार की वजह से, बटाईदारों से होने वाली इनकम की वजह से, और एक और ख़ास बात है, ये गांव में रहते थे, गांव से बाहर नहीं रहते थे, इस वजह से भी। क्लियर सारी बातें? अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन कि जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे। तो हमने सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ रखे हैं, कवर कर रखे हैं, आप बिल्कुल आराम से इनको बता सकते हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं कैसे इन्होंने दिया है इसमें। तो जमींदारों द्वारा अपनी जमींदारियों पर नियंत्रण रखने के उपाय, पहला है राजस्व की अत्यधिक मांग और अपनी भू संपदा की नीलामी से जमींदार तंग आ गए थे। राजस्व का मतलब होता है टैक्स, अत्यधिक मांग का मतलब है बहुत ज़्यादा टैक्स लेना, और भू संपदा मतलब है अपनी खुद की जमीन वगैरह। तो राजस्व की बढ़ती मांग की वजह से और उनकी जो जमीन है यानी भू संपदा है उसके नीलाम होने की वजह से जमींदार बहुत परेशान हो गए थे, बहुत तंग आ गए थे। इससे बचने के लिए जमींदारों ने एक षड्यंत्र सोच लिया था। तो इससे बचने की उन्होंने प्लानिंग बनाई कि हम अंग्रेज़ों को टैक्स कैसे नहीं देंगे, कैसे हम उनसे बचेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ तो लूटने पर लगे हुए थे इन्हें। तो इसीलिए इन जमींदारों ने जो टैक्स है उससे बचने के लिए कुछ कुछ प्लानिंग की, कुछ कुछ षड्यंत्र सोचे। षड्यंत्र का मतलब होता है कुछ प्लानिंग वगैरह करके, कुछ ना कुछ ट्रिक लगाकर कुछ ना कुछ काम निकाल लेना। तो षड्यंत्र सोच लिया था। संपदा की फर्जी बिक्री ऐसी ही एक रणनीति थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर लें और अच्छे से इसको पढ़ लें, इसको देख लें यहाँ से, या आप नोट डाउन भी इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया है फर्जी बिक्री। क्या बताया? कि जमींदार लोग फर्जी बिक्री कर कर अपना जो भू संपदा है उस पर कब्जा रखते थे। तो अब दूसरे पॉइंट में दिया है इसी फर्जी बिक्री का एग्जाम्पल कि किस राजा ने फर्जी बिक्री की। फर्जी बिक्री का मतलब है गलत तरीके से ज़मीन को खरीद लेना। अब आगे हम पढ़ लेंगे, हमने पहले भी पढ़ रखा है, एक बार इसको दोबारा हम देख लेंगे। पॉइंट पढ़ते हैं, वर्धमान के राजा ने पहले तो अपनी जमींदारी का कुछ भाग अपनी माँ के नाम कर दिया, क्योंकि कंपनी का यह नियम था कि स्त्रियों की संपत्ति को छीना नहीं जाएगा। तो वर्धमान का जो राजा है, बंगाल में एक जगह है वर्धमान, वहाँ के राजा ने क्या किया, अपनी ज़मीन को अपनी जो माँ है उसके नाम पर कर दिया। और ऐसे ही और भी कई कई ज़मीन है वो अलग अलग लेडीज़ के नाम कर दी गई थी। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज़ों ने कह रखा था कि जो लेडीज़ हैं उनसे ज़मीन नहीं छीनी जाएगी। तो इसी बात का फ़ायदा उठाया और प्लानिंग लगाकर, दिमाग लगाकर क्या किया, अपनी ज़मीन को उनके नाम कर दिया। आप खुद तो टैक्स भरते नहीं थे, तो क्या होता था जब टैक्स नहीं भरते थे तो अंग्रेज ज़मीन हड़प लेते थे, पर अगर ज़मीन वो लेडीज़ के नाम है तो उससे वो नहीं खरीदते थे ज़मीन, उससे वो छीनते नहीं थे। तो ये फ़ायदा हुआ इन राजाओं को। इन्होंने क्या किया, इन जमींदारों ने, इन्हें राजा भी बोल सकते हैं हम, तो इन जमींदारों ने क्या किया, अपनी ज़मीन को महिलाओं के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया, जिससे कि अंग्रेज इनसे इनकी ज़मीन नहीं छीन पाए। तीसरा है, नीलामी की प्रक्रिया में एजेंटों और नौकरों को शामिल किया। तो इनके जो एजेंट थे जमींदारों के, जब भी इसके बंगले की बोली लगती ना तो वो जाकर वहाँ पर बैठ जाते थे और क्या करते थे, मान लो मैं बोली लगाने गया हूँ अंग्रेजों की तरफ से, मैंने बोल दिया 1 करोड़ में मैंने ये बंगला खरीद लिया है,
पर एजेंट क्या करते थे, उससे बढ़कर बोली लगाते थे, हमने 1,05,00,000 में खरीद लिया है। तो फिर क्या होता था, एजेंटों के नाम आ गया वो, हाँ ठीक है भाई इसके नाम हो गई ये ज़मीन। फिर क्या होता है, उनसे पैसे मांगते कि हाँ अब तुम क्या करो पैसे दे दो, पर एजेंट यहाँ से भाग जाते। फिर इससे क्या हुआ, टल गई नीलामी। एक दिन बुलाए थे, एजेंटों ने क्या किया, बोल दिया हम खरीद लेंगे, पर जब पैसे देने की बात आई तो वहाँ से भाग गए, पैसे नहीं दिए। तो इस तरीके से क्या हुआ, जमींदार की जो ज़मीन की नीलामी हो रही थी वो आगे ट्रांसफ़र कर दी गई कि आज नीलामी नहीं होगी, फिर कभी मीटिंग होगी। इस तरीके से बार बार ये लोग जो हैं इसके ही चेले हैं ये सारे जमींदार के, ये इन नीलामियों में घुसते थे और कुछ ना कुछ अपना अपना दिमाग लगा लोगों कर इन सभी जो ज़मीन इनको बचा लेते थे। तो दूसरा तीसरा पॉइंट ये हुआ हमारा कि नीलामी में एजेंटों और नौकरों की भूमिका। इस एजेंट लोग क्या करते थे, झूठी बोलियां लगाते थे और पैसे चुकाने के टाइम पे वहाँ से भाग जाते थे। इस तरीके से ज़मीन पर जमींदार का ही अधिकार बना रहता था। क्लियर, पहला क्या था कि महिला के नाम कर दिया ज़मीन को, क्योंकि अंग्रेज ज़मीन महिला से नहीं छीनते हैं। दूसरा है कि जो ये एजेंट हैं और नौकर हैं जमींदार के, वो झूठी जाकर बोलियां लगाते थे वहाँ पे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, जमींदार कंपनी को राजस्व समय पर नहीं देते थे और इस प्रकार बकाया राजस्व राशि का बोझ बढ़ता गया। जब भू संपदा का कुछ भाग नीलाम किया गया तो जमींदार के संबंधियों ने ही ऊंची बोली लगाकर उसे खरीद लिया, परंतु रकम का भुगतान नहीं किया। यही प्रक्रिया बार बार चलती रही, यानी जो टैक्स था जमींदार का उसे वो टाइम पर जानबूझकर नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे, जैसे कि मान लो जमींदार को अंग्रेजों को टैक्स देना है 1,00,000 रुपये, तो उसकी जो बंगले हैं वो मान लो हैं 50,000 रुपये के, तो इतना टैक्स हो गया। अब वो सोचता था कि चलो बंगले को ही भेज देते हैं, इससे बढ़िया तो 1,00,000 टैक्स देने की बजाय। अब वो क्या करता था, अपने फैमिली मेंबर्स को ही बोलता था कि तुम मेरा बंगला नीलामी में खरीद लेना। तो यही करते थे जमींदार, समय पर टैक्स नहीं देते थे। इससे क्या होता, टैक्स उनका इकट्ठा होता जाता और टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। फिर जब उनकी नीलामी की बात आती तो उनके ही रिश्तेदार, सगे संबंधी लिखा हुआ ना यहाँ पे संबंधी, तो संबंधी लोग जो थे उनके, यानी उनके फैमिली मेम्बर जो थे, वही उस बंगले को खरीद लेते थे, जिससे कि क्या होता था उनकी जो ज़मीन है वो बची रहती थी और उन्हें इतना ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ता था। और इसी प्रक्रिया को बार बार वो करते रहते थे। अंग्रेजों को जैसे पता चला कि ये गलत बिक्री हुई है, वो दोबारा से नीलामी करते, फिर कोई और फैमिली मेम्बर आकर खरीद लेता। तो चौथा पॉइंट हमें पता चला है कि जानबूझकर टैक्स नहीं देते थे, ताकि राजस्व इकट्ठा होता चला जाए, टैक्स इकट्ठा होता चला जाए, और फिर खुद ही अपनी ज़मीन को बिकवा देते थे अपने ही जो सगे संबंधी हैं उनके हाथों। उसके बाद है, कुछ दिनों के बाद लोगों ने बोली लगाना बंद कर दिया, कंपनी को कम दाम पर ज़मीन जमींदार को बेचनी पड़ी। ठीक, समझ में आया कि बार बार ऐसा होगा तो कौन आएगा, कौन बिजनेसमैन आकर खरीदेगा इनको। अब एक बार आए कोई, दो बार आए बेचारा, कितनी बार आएगा। तो यही अगला पॉइंट कि ऐसे ऐसे कर करके बिल्कुल परेशान हो गए लोग और लोगों ने बोलियों में आना ही बंद कर दिया। तो कुछ दिनों के बाद क्या कराया कंपनी ने, यानी अंग्रेजों ने, इन्हीं जमींदारों को वापस वो ज़मीन बेचनी पड़ी और बहुत कम कीमत पर बेचनी पड़ी। तो इस तरीके से ये टैक्स देने से बच गए। तो समझ में आई सारी बातें कि ये जानबूझकर टैक्स को इकट्ठा कर लेते थे और अपने ही रिश्तेदारों से अपनी ज़मीन को खरीदवा लेते थे, इनके एजेंट और नौकर बोलियों में शामिल रहते थे और कई भी कभी अपनी लेडीज़, जो फैमिली मेंबर्स की लेडीज़ हैं उनको, उनके नाम पर ये ज़मीन कर देते थे। और ऐसे कर करके जो दूसरे जो लोग हैं वो बहुत परेशान हो गए और इन्होंने बोलियों में आना ही छोड़ दिया, नीलामी में आना ही छोड़ दिया। अब सिक्स्थ पॉइंट है, जमींदारों ने नीलामी से बचने के लिए और भी कई तरकीबें निकाली। वे संपदा खरीदने वाले को ज़मीन पर कब्जा नहीं करने देते थे या मारपीट कर भगा देते थे। हाँ, जमींदार लोग जो, इनकी तो पूरी पावर थी। तो जैसे मान लो किसी दूसरे नीलामी में ज़मीन खरीदी है, जैसे ही वो ज़मीन पर कब्जा करने आया तो उसको मारपीट कर वहाँ से भगा देते थे वापस, कि हमारी ज़मीन है, हमारे गाँव में घुस मत जाइए तू। ठीक है, तो इस तरीके से पावर के दम पर भी जमींदार लोग अपनी ज़मीनों को बचा लेते थे। अब ये कोई बेईमान लोग नहीं थे, अंग्रेज़ों ने टैक्स इतना ज़्यादा कर दिया था, मजबूरी में इन्हें सारे काम करने पड़े थे। पहले ये खूब टैक्स देते थे, अब जमीन के पास इनकी सारी ज़मीन बिक गई थी, सब कुछ बिक गया था, कुछ नहीं रहा था, तब ये ऐसी ऐसी टेक्निक्स का प्रयोग करने लगे थे। समझ रहे हो बातें। तो ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आ सकता है कि जमींदार लोग जो हैं वो टैक्स देने में क्यों चूक करते थे, या उन्होंने नीलामी से बचने के लिए क्या क्या काम किए हैं। क्लियर सारी बातें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
पहाड़िया लोगों ने बाहरी लोगों के आगमन पर कैसी प्रतिक्रिया दर्शाई, यानी कि उन्होंने क्या रिएक्शन दिया बाहरी लोगों के आने से। पहाड़िया लोग कौन थे पहले तो ये समझ लो। अंग्रेजों के समय में जो लोग जनजाति लोग थे, जो पहाड़ों के अंदर रहते थे, जो बंगाल वाला एरिया है पूरा, उस एरिया में जितने भी पहाड़ लगते हैं उस साइड जो लोग रहते थे उनको कहा गया है पहाड़िया। और बाहरी लोग यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है संथालों के लिए और अंग्रेजों के लिए। तो अंग्रेजों के आने से और संथालों के आने से पहाड़िया लोगों के जीवन कैसे बदल गया, तो जिसने चैप्टर पढ़ा उसको तो सारी बातें पता होंगी कि पहाड़िया कौन थे, संथाल कौन थे। जो बच्चे नए आए हैं वो चैप्टर को पहले पढ़ लें, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चंस को देखें, तब आपको बिल्कुल पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही इनके आंसर कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। स्थायी कृषि विस्तार के साथ बाहरी लोगों और पहाड़ियों के बीच संघर्ष तेज हो गया। पहाड़िया लोग जो हैं वो जनजाति लोग थे, घूम घूम कर खेती करते थे, स्थायी खेती नहीं करते थे। स्थायी का मतलब होता है एक जगह पर टिक कर खेती करना। पहले तो जमीन, जो ज़मीन है उसको प्लेन करना पड़ेगा, जैसे आज के खेत होते हैं, और उसके बाद वहाँ पर खेती करनी पड़ेगी। तो ऐसा जीवन पहाड़ियों का नहीं था, पर जो संथाल लोग बाहर से आए थे उनका जीवन ऐसा था। तो संथालिया लोग जो हैं वो अंग्रेज़ों को ज़्यादा पसंद थे शुरू शुरू में। क्यों थे? क्योंकि वो टैक्स देते थे, और ये पहाड़िया लोग जो हैं टैक्स नहीं देते थे, क्योंकि ये एक ज़मीन पर तो खेती करते नहीं थे, घूमते रहते थे इधर उधर जंगलों में, तो इसकी वजह से ये टैक्स नहीं देते थे। तो इसमें पहला पॉइंट ये था, स्थायी कृषि विस्तार के साथ बाहरी लोगों और पहाड़ियों के बीच संघर्ष तेज हो गया। यानी जो ये रुक कर खेती करने वाला काम आया है, इसकी वजह से पहाड़ियों के बीच और संथालों के बीच आपस का जो संघर्ष था, लड़ाई थी, वो तेज हो गई। अब वे ग्रामवासियों का अनाज और पशु झपटने लगे, यानी जो पहाड़िया लोग हैं वे अब गांवों पर हमले करने लगे और गांव से अनाज उठा ले जाते, कभी कभी पशु उठा ले जाते। झपटने लगे का मतलब है यहां से अनाज और पशु उठाकर ले जाते थे वो। दूसरा है, 1770 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने पहाड़ियों के प्रति कठोरता की नीति अपनाई और उन पर आक्रमण शुरू किया। तो जो अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने ये जो पहाड़ी लोग अपना जीवन पहाड़ियों के सहारे जीते थे उन पर आक्रमण करना शुरू किया। क्यों किया? क्योंकि वो उन्हें वहाँ से भगाना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि ये पहाड़िया लोग यहाँ पर रहें। क्यों? क्योंकि उनसे उन्हें कोई टैक्स वगैरह कोई फ़ायदा तो था नहीं, अंग्रेज़ों को तो सिर्फ अपने फ़ायदे से मतलब था, तो उनको वो पहाड़ियों से भगाना चाहते थे। तो 70 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने पहाड़ियों पर अटैक करने शुरू कर दिए। क्वेश्चन यही था कि पहाड़िया जो लोग हैं उन्होंने बाहरी लोगों के आने से क्या रिएक्शन दिया, तो वही हम पढ़ेंगे अभी। 1870 के दशक में भागलपुर के कलेक्टर अगस्टस क्लीवलैंड ने शांति स्थापना का प्रस्ताव रखकर पहाड़ी मुखियाओं का वार्षिक भत्ता निश्चित किया, ताकि वे अपने आदमियों को नियंत्रण में रख सकें। जो कलेक्टर था अगस्टस क्लीवलैंड भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का, उसने कहा इन पहाड़िया लोगों से कि आप जो ये है गाँव में हमले वगैरह ना किया करो, इसके बदले में हम तुम्हें क्या देंगे, पूरे साल का भत्ता दिया करेंगे, बोनस या पैसे दिया करेंगे कुछ, जिससे कि तुम अपना गुजर बसर कर सको। पहाड़िया लोग अंग्रेज़ों को संदेह की दृष्टि से देखने लगे और उनसे घृणा करने लगे। इससे क्या हुआ, उनकी खुद की आज़ादी छीन ली अंग्रेज़ों ने, और फिर कह दिया कि हम तुम्हें भत्ता देंगे। तो इससे क्या हुआ, वो लोग उनसे नाराज हुए और उन्हें संदेह की दृष्टि से देखने लगे, घृणा करने लगे। यही पूछा था कि कैसी प्रतिक्रिया दिखाई, तो आप बताओगे कि उन्हें संदेह की दृष्टि से देखने लगे और उनसे नफरत यानी कि घृणा करने लगे। क्लियर? पहले पॉइंटों में क्या था कि ब्रिटिश अधिकारियों ने कठोरता की नीति अपनाई, आक्रमण शुरू कर दिए, पर अगस्टस क्लीवलैंड ने क्या कहा कि मैं तुम्हें पैसे दिया करूंगा साल के कुछ, इससे जो इससे भी कुछ ज़्यादा खास बात नहीं बनी। पहाड़िया जो मुखिया हैं वो नाराज़ रहे अंग्रेज़ों से और उनसे घृणा करते रहे। उसके बाद है, पहाड़ियों के लिए एक अन्य खतरा इनके इलाकों में संथालों का प्रवेश था। मैंने भी बताया था कि अंग्रेज़ों ने पहाड़ियों की बजाय संथालों को पसंद किया। संथाल भी एक जनजाति है और पहाड़िया लोग भी जनजाति थे, पर संथालों और पहाड़ियों में इतना अंतर है कि संथाल लोग जमीन पर रुककर वहीं खेती करते थे, जिससे कि फसल ज़्यादा होती है और अंग्रेज़ों को टैक्स मिलता था। इसीलिए अंग्रेज़ लोग पहाड़ियों को भगाकर वहाँ पर संथालों को बसाना चाहते थे। तो आगे लिखा है, जहाँ कुदाल पहाड़ियों की रक्षक थी वही हल संथालों का एक अस्त्र बन गया। अब इन दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। कुदाल होता है एक हथियार, मतलब छोटा सा वो है
जिससे कि छोटे मोटे औजार है किए, जिससे कि छोटे मोटे खेत वगैरह हल्का फुल्का खोद लिया, वहाँ पर फसल वगैरह उगा ली। ये था किनका, पहाड़िया लोगों का, इनका साइन कह सकते हो, क्योंकि ये इसी का यूज़ करते थे। और संथाल लोग जो हैं वो हल का यूज़ करते थे, हल से ज़्यादा ज़मीन अच्छे से जुताई की जा सकती है उसकी खेती करने के लिए, और ज़्यादा फसल वहाँ पर उगाई जा सकती है। तो ये डिफरेंस था पहाड़िया और संथालों में। इसी वजह से संथालों को प्रमोशन दिया अंग्रेज़ों ने, पहाड़ियों को वहाँ से भगाना चाहा। तो इससे क्या हुआ, पहाड़ियों में और संथालों में आपस में संघर्ष शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। क्वेश्चन यही था कि बाहरी लोगों से, बाहरी लोगों के आने से पहाड़ियों का जीवन कैसे बदल गया, या पहाड़िया लोगों ने कैसे अपना रिएक्शन दिया, कैसे अपनी प्रतिक्रिया दर्शाई। तो वो उनसे घृणा करते थे, नफरत करते थे, उनका संघर्ष बढ़ता चला गया और संथालों और इन पहाड़िया लोगों के बीच में संघर्ष शुरू हो गया। अब तक हमने पढ़ लिया कि जो ये पहाड़िया लोग थे इनको तो अंग्रेजों ने भगा दिया और संथालों को वहाँ पे बसा दिया, पर हमने पहले ही पढ़ा था कि कुछ समय बाद संथालों के साथ भी वही करने लगे अंग्रेज, उनसे भी ज़्यादा टैक्स लेने लगे जैसे वो पहाड़ियों से मांगते थे। अब संथालों ने भी विद्रोह किया। क्वेश्चन यही है अब अगला, फोर्थ क्वेश्चन, कि संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। तो देखते हैं, ब्रिटिश अधिकारियों ने संथालों को दामिने कोह में बसने के लिए निमंत्रण दिया। दामिने कोह का मतलब एक ऐसी ज़मीन जो कि स्पेशली इन संथालों के लिए अंग्रेजों ने बनाई थी, यानी जंगलों में इन्होंने बोला था ना कि पहाड़ियों को भगाओ और तुम रह लो वहाँ पर। तो ये जो ज़मीन थी इसको नाम दिया गया दामिन ए कोह। तो पहले तो अंग्रेजों ने संथालों को दामिने कोह में बसाया, उसके बाद यहाँ संथालों के गाँवों और जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई। अब उन्होंने बसाया तो वहाँ पे उनके गांव बढ़ने लगे, संथालों की जनसंख्या बढ़ने लगी। वे व्यापारिक फसलों की खेती करते थे, परंतु ब्रिटिश सरकार ने उनकी ज़मीन पर भारी कर लगा दिया। अब जो संथाल लोग हमें क्या करते थे, खेती करते थे, जिससे कि अंग्रेज़ों को भी फ़ायदा होता था और संथालों को भी फ़ायदा होता था। पर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने क्या किया, उनकी ज़मीन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया। क्वेश्चन यही था कि संथालों ने विद्रोह क्यों किया। तो पहला रीज़न आ गया कि अंग्रेज़ों के लगाए हुए टैक्स की वजह से उन्होंने विद्रोह किया। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, 1850 के दशक तक संथाल लोग स्वायत्त शासन चाहते, स्वायत्त का मतलब होता है खुद का, परंतु ब्रिटिश सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी, यानी वो उनकी गुलामी नहीं करना चाहते थे, वो अपना जीवन अपने आप अपने तरीके से जीना चाहते थे। तो यही है कि संथाल लोग स्वायत्त शासन चाहते थे परंतु सरकार नहीं मानी, यानी अंग्रेज नहीं माने, इसी वजह से संथालों ने विद्रोह कर दिया। तो दो ये छोटा क्वेश्चन था, ये मैंने ये अच्छे से और दूसरे जो वीडियोस में करा रखा है यहाँ पर ये छोटा दिया गया है, तो आप वहाँ से नोट्स बना ले, ये तो बहुत शॉर्ट में दिया गया है। तो अगला है, 1855-56 के संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगने का निर्माण कर दिया गया, इस प्रकार उनका क्षेत्र सीमित कर दिया। तो लास्ट में इनका गुस्सा इतना बढ़ता गया संथालों का कि 1855-56 में इन्होंने विद्रोह किया था, बहुत बड़ी संख्या में लोग मरे थे क्योंकि ये अंग्रेज़ों से सीधी टक्कर ले रहे थे। अंग्रेज़ों के पास तो बहुत मॉडर्न वेपन्स थे, इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था, तो इसीलिए बहुत सारे संथाल मरे थे। उसके बाद क्या करा, इनके एरिया को रिजर्व कर दिया और इनके साथ बहुत बुरा किया अंग्रेज़ों ने। तो संथाल लोग जो हैं उन्होंने विद्रोह किया, क्यों विद्रोह किया ये पूछा गया था, तो इसमें आप बताओगे कि संथाल लोग स्वायत्त शासन चाहते थे, यानी अपने खुद का शासन चाहते थे। दूसरी बात आप बताओगे कि संथाल लोग जो हैं, जो दामिने को उन्हें ज़मीन दी गई है उसमें वो टैक्स देना नहीं चाहते थे। तीसरी बात आप बताओगे कि जो कर जो है, टैक्स जो है, उसको बहुत बड़ी मात्रा में अंग्रेज़ों ने लगाया जो कि संथाल नहीं भर पा रहे थे। तो ये हुई तीन दिक्कतें जिनकी वजह से संथालों ने विद्रोह किया था। अब अगला क्वेश्चन है, दक्कन के रैयत ऋणदाताओं के प्रति क्रुद्ध क्यों थे। तो दक्कन का मतलब है साउथ से ऊपर जो एरिया पड़ता है महाराष्ट्र साइड, ये पूरा दक्कन वाला एरिया है। तो रैयत का मतलब है किसान, ऋणदाता का मतलब है वे लोग जिन्होंने इन किसानों को लोन दिया था, सारा हमने पढ़ा था चैप्टर में। तो दक्कन के रैयत ऋणदाताओं से गुस्सा क्यों थे, पढ़ते हैं। जब भारत से इंग्लैंड में कपास का निर्यात हो रहा था तो महाराष्ट्र के निर्यात व्यापारी और साहूकार रैयतों को खूब ऋण दे रहे थे, कि जब इंग्लैंड में यहाँ से कॉटन जाने लगा था उस समय पे इन व्यापारियों और साहूकारों ने इन किसानों को यानी रैयतों को खूब पैसा दिया। अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था जिससे कि क्या हुआ, भारतीय कपास की मांग बढ़ गई थी। तो आगे इसमें, अमेरिका में गृह युद्ध की समाप्ति हुई और वहाँ से इंग्लैंड में कपास का निर्यात पुनः होने से ऋणदाता ऋण देने में उत्सुक नहीं रहे,
यानी पहले तो जब अमेरिका में गृहयुद्ध चल रहा था तो सप्लाई बंद हो गई इंग्लैंड में कपास की अमेरिका से, तो यहाँ से इंडिया से सप्लाई होने लगी। फिर तो बिजनेस मैन लोगों को तो अपना फ़ायदा दिखा उसमें, उन्होंने क्या किया, किसानों को बहुत सारा पैसा दे दिया, ऋण दे दिया, ऋण होता है लोन। उसके बाद जैसे ही अमेरिका में हालात सुधरे, वहाँ से दोबारा कपास आने लगा, तो उससे क्या हुआ, अब इंडिया की जो मांग थी वो फिर ख़त्म होने लगी पहले की तरह ही। तो इससे क्या हुआ, जो ऋणदाता थे उन्होंने फिर पैसा देना बंद कर दिया और ज़बरदस्ती अपना पैसा मांगने लगे किसानों से। अब किसानों ने लगा दिया सारा पैसा अपनी ज़मीनों में कपास उगाने में, पर अब दिक्कत किस पे आई, सारी दिक्कत आई छोटे किसान पे। तो जो रैयत थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए ऋणदाताओं के प्रति। क्यों? क्योंकि ऋणदाता लोगों ने पहले तो उन्हें टैक्स दिया, पर फिर जब उनका फ़ायदा ज़्यादा नहीं होता था तो उन लोगों ने क्या किया, उनसे ज़्यादा रकम ब्याज के साथ मांगनी शुरू कर दी। इससे गुस्सा बढ़ गया इन किसानों का। तो पहला पॉइंट है यही कि ऋणदाता ऋण देने में उत्सुक नहीं रहे, यानी उनको ऋण नहीं देते थे और उनको उनसे ज़्यादा ऋण मांगते थे। यह भी एक कारण था कि दक्कन की रैयत क्रुद्ध हो गई, यानी गुस्से में आ गए। दूसरा है, ऋणदाताओं ने देखा कि भारतीय कपास की मांग घटती जा रही है और कपास की कीमतों में गिरावट आ रही है। जिन्होंने लोन दिया था किसानों को, उन्होंने देख लिया पहले ही कि भारतीय कपास की मांग तो बढ़ नहीं रही है। यही कारण था कि उन्होंने अपना कार्य व्यवहार बंद करने, रैयत की अग्रिम राशियां प्रतिबंधित करने और बकाया ऋणों को वापस लेने का निर्णय लिया। यानी अग्रिम राशि का मतलब है जो एडवांस में लोन दिया था, तो रैयतों को अब एडवांस में लोन नहीं मिलता था, क्योंकि अभी यही बात मैंने आपको बताई थी सारी कि जो जैसे ही वहाँ पर सप्लाई बंद हुई तो ऋणदाताओं ने क्या किया, पैसे देने बंद कर दिए, सप्लाई बंद हो गई, किसानों की तो वह दिक्कत खड़ी हो गई है, ना तो एडवांस लोन मिल रहा है और जो पहले लोन दिया था उसको भी वो अब मांगने लगे, तो ये दिक्कत हुई किसानों के प्रति। तो दूसरे पॉइंट में भी यही बताया है कि रैयत की अग्रिम राशि यानी एडवांस लोन प्रतिबंधित कर दिया, यानी बैन कर दिया, नहीं देते थे, और बकाया ऋण को वापस लेने का निर्णय लिया, यानी जो पहले के पैसे हैं उनको भी वापस लेने की सोच ली ऋणदाताओं ने। तो ये दिक्कत थी जिससे कि किसान क्रुद्ध हुए। तो दो पॉइंट पढ़े अब तक। पहला था कि किसान जो हैं वो पहले तो इनके झांसे में आ गए ऋणदाताओं के, इन्होंने इन्हें पहले तो पैसा दिया और बाद में जब इन्होंने अपना सारा पैसा खेतों में लगा दिया तो इनको दिखा कि सप्लाई जो है वो कम हो रही है कॉटन की, तो इन्होंने क्या करा, उनसे पैसे मांगने दोबारा शुरू कर दिए। तो इस तरीके से अपने फ़ायदे को देखते हुए इन ऋणदाताओं ने जो एक किसान हैं इनकी कुछ नहीं सोची और इनसे पैसे मांगने शुरू कर दिए। तो ये दिक्कत थी किसानों को, पहले तो उन्हें पैसे दिए उसके बाद उनसे मांग रहे हैं, अब उनके पास कहाँ से आए पैसे, तो इस वजह से वो गुस्से में आ गए। अब तीसरा पॉइंट है, 1830 के पश्चात राजस्व का नया बंदोबस्त लागू हुआ जिसमें भू राजस्व 50% से 100% बढ़ा दिया। यानी अब अंग्रेज भी हैं, अब ऋणदाता तो अलग, उसके अलावा कौन आ गए, अंग्रेज। अंग्रेजों ने टैक्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया किसानों पे। तो किसानों को एक तो लोन चुकाना, इन जिन साहूकार जो हैं ऋणदाता हैं इनका लोन चुकाना, उसके अलावा जो टैक्स की परसेंटेज थी वो और बढ़ा दी अंग्रेजों ने, तो ये भी गुस्से की बात है। इतना भारी लगान देने के लिए रैयतों को ऋण लेना अनिवार्य हो गया। अब इतना जो टैक्स अंग्रेजों ने बढ़ा दिया है उसके वो कहाँ से चुकाएंगे, लोन लेकर ही चुकाएंगे, पर अब लोन देना इन ऋणदाताओं ने बंद कर दिया किसानों को, तो ये और बड़ी दिक्कत। कीट 1830 में टैक्स और बढ़ा दिया अंग्रेजों ने और लोन देना बंद कर दिया इन साहूकारों ने, तो इस वजह से किसान बहुत गुस्से में आ गए। रैयत इस बात से अधिक नाराज था कि ऋणदाता वर्ग इतना संवेदनहीन हो गया है कि वह उनकी हालत पर कोई तरस नहीं खा रहा और गांव की प्रथाओं का उल्लंघन कर रहा है। तो किसान बहुत दुखी हो गए कि ये हमारे ही गांव के साहूकार हैं, हमें ही पैसे नहीं दे रहे हैं, हमारी इतनी गरीबी है, इन पे इन्हें कोई तरस नहीं आ रहा है, तो इस वजह से गुस्सा बढ़ने लगा इन किसानों का। तो यही क्वेश्चन था कि किसानों का गुस्सा क्यों बढ़ा, यानी दक्कन के रैयत क्रोध क्यों हुए ऋणदाताओं के प्रति। तो आप इसमें बताओगे, पहले तो उन्होंने खुद लोन दिया ऋणदाताओं ने, उसके बाद जब ऋणदाताओं को अपना फ़ायदा नहीं दिखा तो लोन वापस मांगने लगे। अब किसान कैसे देते वापस, क्योंकि उन्होंने तो अपना सारा पैसा उन फसलों में लगा दिया था। उसके बाद उन्होंने ना तो एडवांस लोन दिया किसानों को और जो पैसा पहले खुद दिया था उसको ही वापस मांगने लगे। उसके बाद आए अंग्रेज, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, नया टैक्स सिस्टम लेकर आए जिसमें कि टैक्स को 50% से 100% बढ़ा दिया गया और रैयतों के ऊपर और बोझ बढ़ गया।
अब उनके पास एक ही चारा बचा था कि लोन लेकर अंग्रेजों का टैक्स चुका दे, पर लोन तो गांव के जो साहूकार हैं वो दे नहीं रहे थे। इस वजह से वो बहुत नाराज हुए और उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजिशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA INSTITUTE लिख कर भी सर्च कर सकते हो, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, IELTS, PTE, TOEFL, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल्स और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पर हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पर कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।